ਪਿਆਰਪੁਰ ਦੇ IVY ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। इस बार महिला मरीज की मौत का कारण डॉक्टरों की लापरवाही दसिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के गगरेट की एक 55 साल महिला सुनीता राणी जेड़ी की सां की दिक्कत कारण उक्त हस्पताल से इलाज वास्ते आई सी। परिवार का कहना है कि हिमाचल तो आते वक्त उसके मरीज महिला का कोरोना टेस्ट करवा के आए सी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई सी। जब महिला को हस्पताल दाखिल करवाया गया तो उन्होंने COVID-19 वार्ड से शिफ्ट कर दिया, जिस बारे परिवार ने डॉक्टरों को इस बारे जानना चाहिया, तुसी उन्होंने मरीज को कोविड वार्ड से क्यों शिफ्ट किया है, जबकि उसकी एक दिन पहला कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई सी। मेरे मम्मी की नाम सुनीता की प्रॉब्लम की है उन्होंने बिल्कुल ठीक थे, बस साल इंच ना दिक्कत आ रही थी, इन्होंने गया चेस्ट च इन्फेक्शन है कि मैं ले चलो तुझे अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, असि कोविड का टेस्ट गगरेट तो करा के आए थे नेगेटिव था। मैं इन्होंने बोलिया, इन्होंने 2 घंटे बाद मेरी मदर ने कोविड वार्ड से शिफ्ट किया। मैं कि तुसी कोविड वार्ड से क्यों शिफ्ट कर रहे हो जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बोलते वैसे रख लेने जब कोई साड़ी अपनी रिपोर्ट आएगी फिर असी तुहानू दसांगे। मैं सवेरे भी पूछा, मैं क्या तुहाडी कोई रिपोर्ट नहीं आई, आ जानी है 1 बजे आनी, 2 बजे आनी, 3 बजे सवेर का यही बोल रहे हैं, कभी कह रहे कल नू आनी है, इदा कही जा रहे। मैं क्या जब मेरे मदर पॉजिटिव है नहीं, उन्होंने कोविड वार्ड च क्यों पाया होया। मेरे मदर सवेरे असी बाहर गड्डी च सुते, दौड़ के बाहर आए, सारा हल्ला मचे, असी अंदर गए। मैं क्या मम्मी क्या होया, बोलते इन्होंने मैंने अंदर मार देना, मैंने इतों ले चलो, साढ़े हाथ जोड़ रहे थे। मेरी मदर बोलते मैंने इतों ले चलो, मैंने लग्या मम्मी पैसे घबरा गए उन्हें। मैं क्या मम्मी कुछ नहीं होंगे, मैं इतें ही हाँ। मैं इन्होंने कहा मैंने अंदर मदर को बैठन दो, मैं PPE किट पा के अपनी मदर को बैठी। सवेर दिन मैंने चंगी भलिया गल् कर रहे थे, मेरी सिस्टर की मैरिज है, मैंने कह रही मैं थोड़ी ठीक हाँ, मैं घर चलो शॉपिंग भी करनी है, तो कहते हॉस्पिटल इन्होंने तो छुट्टी देनी नहीं, तुम मैंने ले चलो। मैं मम्मी अज का दिन टिक जाओ, असं कल घर चल जाएंगे। उस तो बाद गल्लां गुल्लां कर रहे थे, मैं ना मैंने कहते मैं खाना भूख लगी, मैं इन्होंने पूछा थोड़ा लंच कितने बजे आना, कहते 1:30 बजे तक आना, तो अजे 1:45 होया था। तो मैंने कहते तुम भी कुछ खा पी आओ, तो अपनी मदर लिए भी जो चाह पानी जो लिया ना ले आओ। मैं क्या चलो ठीक है, मैं 2 मिनट चाह लेके आई, मैं अपनी चाह भी छी, मैं 2 मिनट सिर्फ मदर की चाह लेके जा रही, अंदर ना आओ अंदर ना आओ, तुहाडे मदर बहुत सीके वेंटीलेटर ते, पता मैनू पता नहीं लग्या कि 2 मिनट मेरी मदर नू वेंटीलेटर ते पाया क्यों। मेरे नाल गल्ला करे ठीक है, मैं पानी भी पिलाया उन्होंने, सब कुछ ठीक, सब कुछ नॉर्मल था, पता नहीं 2 मिनट विच केड़ी वेंटीलेटर ते पाता इन्होंने। 2 मिनट बाद बोलते तुहाडे पेशेंट डेड है, तुसी मैनू दस्सो इदा किदा हो सकदा, की लगदा किस प्रॉब्लम वाई जिहड़ी इन्ना करता इन्हां कोई मुलाजम कोई ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆਏ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਅਸੀਂ ਪਿਰਤੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਗਗਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਕੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਰਿੰਕੀ ਕੱਕਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸਰ ਇੱਥੇ। ਸਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗਗਰੇਟ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਲੋ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਸਿਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਏਗੀ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 20% ਚਾਂਸ ਹੈ, 10% ਚਾਂਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਦਰ ਦੌੜਿਓ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏ 10-11 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਦੇ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਲਿਓ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਮਦਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ PPE ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਅਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਲੰਚ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਆਓ, ਅਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੈ, 2-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਿੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4-5 ਵਜੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 5:30 ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਰੱਖਿਆ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਦਾ पेशेंट जो साढ़े को आया तो पेशेंट की सैचुरेशन जी अराउंड 35-40 के 40% के अराउंड वो सैचुरेशन से तो पेशेंट क्रिटिकल से मोर्टिलिटी एक्सप्लेन्ड से उन्होंने अटेंडेंट्स को कि पेशेंट के बचन के चांसिज बहुत घट है अराउंड 5-10% चांसिज उन्होंने दसे गए थे कि पेशेंट के बचन के है और पेशेंट एक सस्पैक्टड कोविड सस्पैक्टड पेशेंट से रिलायबल टेस्ट नहीं है RT-PCR की उन्होंने रिपोर्ट पेंडिंग है क्लीनिकली पेशेंट हाईली सस्पैक्टड है और असं उन्होंने सस्पैक्टड मन के ही चल रहे हैं RT-PCR की रिपोर्ट पेंडिंग है ईवनिंग तक आ जाएगी बॉडी देने लिए सर गवर्नमेंट तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइनस ने कि जे सस्पैक्टड पेशेंट है तो तुम उन्होंने बॉडी उदों तक नहीं हैंडओवर करनी अटेंडेंट्स को जदों तक उसकी रिपोर्ट ना आ जाए RT-PCR की नंबर टू अगर वो बॉडी जल्दी लेना चाहते हैं तो वो उन्होंने जो कोविड प्रोटोकॉल है क्रीमेशन का वो फॉलो करना पैना है जो एग्रीड है वो प्रोटोकॉल फॉलो करने लिए तो उन्होंने डेड बॉडी असं हूँ ही हैंडओवर कर देने नहीं सेम ही गाइडलाइनस ने सर सेंटर दी गाइडलाइनस ने हाँ जी उन्होंने सिविल सर्जन उन्होंने इनफॉर्म कराया हुआ है